अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ एक नई रेसिपी शेयर करना चाहती हूँ जो कि है सब्ज़ी की, अचारी बैंगन। यहाँ पे लिए मैंने बैंगन, इनको पहले मैंने किया मैरिनेट। हाफ टी स्पून मैंने डाला इसमें सॉल्ट, हाफ टी स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, हाफ टी स्पून रेड चिली, चुटकी भर हल्दी, 1 टेबल स्पून ऑयल डालकर इनको अच्छी तरह मैरिनेट कर लें और 3-4 घंटे के लिए छोड़ दें। 3 टेबल स्पून यहाँ पर लिया मैंने दही, 1 मीडियम साइज़ की प्याज, ना बहुत बड़ी हो ना छोटी हो। 1 टीस्पून यहाँ पर लिया जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1/4 टीस्पून यहाँ पर लिया मैंने मेथी दाना, 1 टीस्पून लिया यहाँ पर मैंने राई दाना, 1 टीस्पून यहाँ पर लिया ज़ीरा, 1 टीस्पून सौंफ, 1 टीस्पून कलौंजी, 1.5 टीस्पून आमचूर पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून रेड चिलीज, 1/2 टीस्पून यहाँ पे ली मैंने चिली फ्लेक्स, 1/4 कप यहाँ पे लिया मैंने ऑयल जो कि गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें डालूँगी बैंगन, इनको करेंगे फ्राई थोड़ी देर के लिए, ज़्यादा नहीं। इनको थोड़ी देर फ्राई करके निकाल लेंगे। बैंगन को इतनी देर फ्राई करना है तो बस थोड़े से होते हो जाए, ज़्यादा 4 से 5 मिनट इनको फ्राई करें, फिर इनको निकाल लिए। अब उसी ऑयल में प्याज फ्राई करूंगी। प्याज हमारी ब्राउन हो चुकी है, अब इसमें डालूंगी लहसुन अदरक का पेस्ट, इसको करेंगे ब्राउन। इसमें सारे मसाले, लौंजी, राई दाना, नमक और हल्दी, मिर्चें, साथ में थोड़ा पानी ऐड करेंगे। इसमें बैंगन इनकी अच्छी तरह करेंगे भुनाई। थोड़ा सा करेंगे पानी ऐड, साथ में आमचूर पाउडर। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं नमक मिर्चें, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। करेंगे इसके योगर्ट, इसको अच्छी तरह फेंट के डालें ताकि इसकी गुठलियाँ ना बने। अब इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको हल्की आंच पे दम पे रखेंगे ताकि सब्ज़ी थोड़ी गल जाए। 10 मिनट हो चुके हैं, हमारी सब्ज़ी गल चुकी है, इसको अच्छी तरह करेंगे फ्राई। थोड़ा सा डालेंगे इसमें सब्ज़ धनिया, मिर्चें, कुछ मैं गार्निश में डालूंगी सब्ज़ मिर्चें, सब्ज़ धनिया। ये बहुत जल्दी बनने वाली सब्ज़ी और बहुत मज़े की बनती है, जो नहीं खाता वो भी खाएगा, एक दफ़ा बना के चेक करें। जी हमारी पक चुकी है, अब मैं इसको डिश आउट करके दिखाती हूं। हमारे अचारी बैंगन रेडी हैं, फिर मिलूंगी एक नई रेसिपी के साथ। चलती हूँ, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।